أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and good morning dear students. Today is our 15th lecture for English. So today I am going to start with idiomatic expressions. ये आपका जो है can you please open page number 186. Yes. So I am going to discuss some idiomatic expressions. You have read about, I think so, you have listened and heard about idioms. Idioms are the expressions of language. These are basically a group of words which forms a phrase which is used in language sequences. So लैंग्वेज के अंदर आप अक्सर जिस तरह महावरतन कोई चीज़ें आप यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं, डेली आप अपने उर्दू के अंदर मुहावरे यूज़ करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाइक दिस. इडियम्स आर बेसिकली द एक्सप्रेशंस ऑफ स्पीच. दीज आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच फॉर्म्स अ फ्रेज. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रेज. ठीक है जी, ये फ्रेज़ होता है, ये आपको सही मीनिंग नहीं दे रहा होता. लेकिन ईडियम्स के अंदर क्या होता है, आप किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बना के एज एन ईडियम नहीं यूज़ कर सकते. ईडियम्स आर स्पेसिफिक. ठीक है जी, और इसके जो मीनिंग्स हैं डैट आर ऑर्गेनाइज्ड और एसोसिएटेड. जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन जितने भी हैं, उनके साथ कुछ मीनिंग्स को एसोसिएट कर दिया गया है. क्या आपने जब भी उस मीनिंग के अंदर, उस सेंस के अंदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज यूज़ करना हो अपनी स्पीच के अंदर, देन यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दिस. यू आर गोइंग टू चूज़ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, या कौन सा वाला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आपने डेली अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना है या अपनी स्पीच के अंदर यूज़ करना है. बाई लर्निंग दिस यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. आपकी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है और आप अपने स्पीचेस के अंदर, अपनी टॉक के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर यू कैन यूज़ दीज इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. डोंट गिव अप द डे जॉब. अब इसके बिल्कुल सामने आप अगर देखें तो देर इज़ अ मीनिंग. ये मीनिंग है यू आर नॉट वेरी गुड एट दैट, यू कुड डेफिनेटली नॉट डू इट प्रोफेशनली. ये कि आप जब भी किसी को ये कहते हैं डोंट गिव अप द डे जॉब, अगर आप अपनी स्पीच के अंदर यूज़ करते हैं ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये किसी को सजेशन देते हैं, तो आप कहते हैं कि आप इस चीज़ के अंदर अच्छे नहीं हो, या आप इस चीज़ के अंदर प्रोफेशनल नहीं हो. लाइक फुटबॉलर एक अगर कहिए मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट करने लगूँ, तो आपको कि डोंट गिव अप द डे जॉब ब्रदर, इट मीन्स डैट ही इज़ नॉट प्रोफेशनल इन क्रिकेट. So there is a sentence used, नीचे एक sentence है, I really like the way you sing but don't give up your day job. अब वो कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम जैसा गाते हो, लेकिन तुम इसके अंदर professional नहीं हो, you can't do this, और इतने अच्छे नहीं हो तुम कि तुम ये profession करो. So बट डोंट गिव अप द डे योर डे जॉब, अगर ये आप यूज़ करेंगे अगले वाले को अगर मीनिंग नहीं आता होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना. सो इधर देखें, आपने एक इंसान को समझा भी दिया और उसको माइंड भी नहीं हुआ, एक इतने अच्छे ये जो वर्ड्स हैं, ये फ्रेज है, इतना अच्छा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इतना अच्छा. कैश काउ, ये कहाँ पर यूज़ होगा, ये इसका मीनिंग क्या है. एन ईजी वे टू अर्न मनी रेगुलरली, एक आसान तरीका जो पैसे कमाने का रेगुलरली. इनकम टैक्स इज़ अ रियली कैश कॉ फॉर द गवर्नमेंट. अब ये उसने यूज़ किया कैश का, वो कहाँ पे, इनकम टैक्स इज़ अ रियल कैश कॉ फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए ये इनकम टैक्स जो है ये कैश का हुआ है, क्योंकि आपको पता है आप जो भी चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स जो लगा होता है That is basically for the government. तो वो उसके लिए कैश को है, ईजी कमिंग ईजी गोइंग मनी है. ठीक है जी, ईजी कमिंग मतलब कि ईजीली उनके पास वो पैसे आ जाते हैं.
bite off more than you can chew. अभी से ऐसे ही लग रहा है कि उसको bite ज़्यादा करो और chew कम करो. लेकिन इसका जो अलग से एक मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है, तो वो है ट्राइंग टू डू समथिंग डैट इज़ टू डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टू फिनिश. कुछ ऐसा करना जो बहुत मुश्किल हो या टाइम कंज्यूमिंग हो. अब वो उसको सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ कर रहा है. आई एम ग्लैड यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द रिपोर्ट बाई योर सेल्फ. तुम ये खुद से रिपोर्ट बनाना चाहते हो और मुझे, मैं बड़ा ग्लैड हूँ इसके बारे में. जस्ट बी शो डैट यू डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. लेकिन ये जहन में रखना कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना इसको कर लेना या टाइम कंज्यूमिंग ना कर लेना कि ज़्यादा टाइम ना लग जाए तुम्हें इसके ऊपर. सो कितनी अच्छी तरह से ये फ्रेज यूज़ हुआ यहाँ पे. क्लियर द एयर. सो इसका मीनिंग अगर हम देखें, डिस्कस समथिंग डैट वॉज कॉजिंग पीपल टू फील अपसेट. कोई चीज़ ऐसी डिस्कस करना जो लोगों को अपसेट कर रही हो. सो देयर सीम्स टू हैव बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग. वो कहते जी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड जस्ट टू क्लियर द एयर. मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या हुआ ताकि आपका जो अपसेटनेस है, आपकी टेंशन जो है वो रिमूव हो जाए. टर्न योर बैक ऑन. ये हम अक्सर देखते हैं कि स्टोरीज के अंदर भी और अक्सर औकात में ये वर्ड यूज़ की, ये फ्रेज यूज़ किया जाता है इन द स्पीचेस मोस्टली. गिव अप ऑन और अबैंडन, छोड़ देना किसी चीज़ को या हार मान लेनी, गिव अप कर देना. गिव अप का तो आपको वैसे भी पता है, ये फ्रेजल वर्ब है गिव अप. सो इसका तो आपको पहले भी पता है, गिव अप और अबैंडन. अगर इसको सेंटेंस में यूज़ कर लिया जाए, आई नीडेड योर हेल्प बट यू जस्ट टर्न योर बैक ऑन मी, यू गिव अप या यू अबैंडन मी, यू लेफ्ट मी. इसके ये 5 हुए हैं, वी हैव टू डू 15. इंशाल्लाह हम अगले भी करते हैं. बट मेक श्योर कि आप ये जब सेंटेंसेस करें और जब ये मीनिंग्स देखें, यू हैव टू लर्न दीज मीनिंग्स. आपको ये मीनिंग्स का पता होना चाहिए. यू हैव टू लर्न इट, मेमोराइज इट, ताकि आपको पता हो कि ये जो है, ये दिस इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. आप अगर कोई स्टोरी रीड कर रहे हो तो वहाँ पे कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आ जाए. तो डायोमेटिक नहीं होता भाई, पहली बात तो ये है. डायोमेटिक कोई भी ना कहे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इसको कहते हैं. और आइडियम्स नहीं होता, ईडियम्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनंसिएशन का आप थोड़ा देख लें. इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जब भी किसी स्टोरी में पढ़ते आपको नज़र आए तो आपको उसका मीनिंग पता हो कि भाई दिस वर्ड या जिस दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज हैज़ दिस मीनिंग. इसके साथ जो एसोसिएटेड मीनिंग है वो ये है. ठीक है जी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्दर. लेकिन उससे पहले मैं जो बात करना चाहता कि डैट इज़ टुडे इज़ योर होमवर्क. और होमवर्क क्या है, आफ्टर रीडिंग दिस, मतलब कि आफ्टर डूइंग दिस वर्क, हम 15 जब कर लेंगे, वी आर डन इट विद इट, यू हैव टू मेमोराइज इट फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेस बाई यूजिंग दिस. खुद से अपना थोड़ा माइंड यूज़ करें, लर्न इट सम हाउ. सो यू हैव टू यूज़ इट इन योर ओन सेंटेंसेस जो आपने खुद बनाए हों. सो कमिंग बैक टू लेक्चर, नॉट कट आउट फॉर 6, नॉट सूटेबल फॉर समथिंग, मतलब कि कोई चीज़ किसी के लिए सूटेबल ना होना. ही ट्राइड माउंटेन क्लाइंबिंग बट ही सिंपली वॉज नॉट कट आउट फॉर इट, मतलब कि वो उसके लिए नहीं था ठीक, उसके लिए एक चीज़ वो ठीक नहीं थी, सूटेबल. स्क्रैप द बटन ऑफ द बैरल, द वेरी लास्ट और द वेरी वर्स्ट. स्क्रैप द बटन ऑफ द बैरल, अगर ये आ जाता है आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो इसका मीनिंग क्या है, द वेरी लास्ट, फुल लास्ट वाला, या वेरी वर्स्ट, बहुत बुरा. देर आर द लास्ट वॉलेंटियर्स वी कुड फाइंड, वी रियली हैड टू स्क्रैप द बटन.
आउट ऑफ द बैरल टू फाइंड देम. हमने बहुत मेहनत से उनको और बड़ी वर्स कंडीशन में उनको फाइंड आउट किया. अ क्लास एक्ट. अ क्लास एक्ट का क्या मतलब होगा? सोफिस्टिकेटेड, अबाउट एवरेज. सोफिस्टिकेटेड या अबाउट एवरेज कोई चीज़ होना. ही ऑफर्ड टू हेल्प इवन दो ही डज नॉट नो मी. ही इज़ अ रियल क्लास एक्ट. वो मुझे जानता भी नहीं था, सोफिस्टिकेटेड इंसान था, फिर भी उसने मुझे हेल्प किया. तो इधर सोफिस्टिकेटेड के मीनिंग में उन्होंने यूज़ किया इसको. ही इज़ अ रियल क्लास एक्ट. क्लीन अप योर एक्ट, मतलब कि क्लीन अप योर एक्ट मीन्स इम्प्रूव योर बिहेवियर, गेट गुड विद योर बिहेवियर विद अदर्स. इफ यू आर एवर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, ये आपके लिए. इफ यू आर एवर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, यू मस्ट स्टार्ट गेटिंग इन टू क्लास ऑन टाइम एंड डूइंग योर होमवर्क. वाई डोंट यू क्लीन अप योर एक्ट? अपना बिहेवियर क्यों नहीं तुम तब्दील करते? तुम क्लास पे टाइम क्यों नहीं आते और अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करते? आप लोगों के लिए भी यही है कि आप लोग क्यों नहीं अपना होमवर्क टाइम पे करते? जस्ट टेल मी. एंड वाई डोंट यू सेंड मी योर होमवर्क? जस्ट टेल मी, लेट मी नो. गेट योर एक्ट टूगेदर. गेट योर एक्ट टूगेदर मीन्स गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज हो जाएं, ठीक है जी, सोफिस्टिकेटेड हो जाएं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं. यू हैव बीन लेट फॉर वर्क एवरी डे दिस वीक. तुम रोज़ लेट होते हो. इफ़ यू वॉन्ट टू कीप दिस जॉब, अगर तुम ये जॉब रखना चाहते हो, ये बॉस की वर्डिंग है, यू मस्ट गेट योर एक्ट टूगेदर, मतलब कि यू मस्ट गेट ऑर्गेनाइज, बी पंक्चुअल. अ पीस ऑफ द एक्शन, पार्टिसिपेशन इन एन एक्टिविटी. अ पीस ऑफ द एक्शन का मतलब है कि टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन इन एन एक्टिविटी. आई हर्ड डैट यू आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स इन योर न्यू इन्वेस्टमेंट. अपनी जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसमें तुम पार्टनर ढूंढ रहे हो. इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गेट इन ऑन अ पीस ऑफ द एक्शन. ऑन अ पीस ऑफ द एक्शन मतलब कि मैं इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. दिस इज़ अ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. के अल्फाज से ज़्यादा इंसान की इंटेंशंस जो है एक्शन से जज की जाती हैं, उसके वर्ड से. पीपल्स इंटेंशंस कैन बी जज बेटर बाय व्हाट दे डू देन व्हाट दे से. जो वो करते हैं उनसे इंसान को ज़्यादा जज किया जा सकता है, बजाय इसके कि जो वो कहते हैं. एक इंसान आपको कहता रहे कि भाई नमाज़ पढ़ो, या कोई भी ऐसा एक्ट जो वो खुद ना करता हो, सो आप उसको जज कर सकते हैं कि ही इज़ जस्ट अ मैन ऑफ टॉक्स, मतलब कि मैन ऑफ स्पीच है वो, और प्रैक्टिकल उसके पास कुछ भी नहीं है. अगर हम इसको एज ए सेंटेंस के अंदर यूज़ करें, वाई डोंट यू गिव हर अ हग इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर सॉरी. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. उसने कहा कि आप और किसी दोस्त को तुम हग क्यों नहीं कर लेती, तो उसको हग करो. उसको सॉरी करने की जगह अगर आप हग करोगे तो वो समझ जाएगी कि ये सॉरी है और मुझसे माफ़ी मांग रही है. सो एक्शंस आपके अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं. इन द ईयर बीइंग डिस्कस्ड जनरली ऑब्वियस. आप डिस्कस होते हो या जो है ऑब्वियस चीज़ है. इन द ईयर का मतलब ये है, द डेज आर गेटिंग लॉन्गर एंड द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग. स्प्रिंग इज इन द ईयर. डेज लॉन्गर होते जा रहे हैं, फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है स्प्रिंग सीजन है. आपको पता है स्प्रिंग इज इन द ईयर, मतलब कि ये ऑब्वियस है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है. गो एप मीन्स गो क्रेजी. जैक वॉज रियली एंग्री. जैक बहुत नाराज था और आई थॉट ही वॉज गोइंग टू गो एप, और मैंने सोचा कि वो क्रेजी हो जाएगा, मतलब कि आई थॉट ही वॉज गोइंग टू गो एप. अ ग्रे एरिया, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, समथिंग डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन.
ग्रे एरिया क्या होता है जो मुश्किल से डिफाइन किया जा सके. आई रिसर्च योर केस, मैंने आपका केस रिसर्च किया, बट देयर आर नॉट एनी ब्लैक एंड वाइट आंसर्स. कोई भी ब्लैक और वाइट आंसर नहीं आ रहा. योर सिचुएशन सीम टू फॉल इन टू अ ग्रे एरिया, और आपकी सिचुएशन लग रही है कि ग्रे एरिया के अंदर है. डैट इज इट फॉर टूडे स्टूडेंट्स. सो काइंडली डू दिस होमवर्क एंड सेंड इट टू मी. इसको होमवर्क करें. मेक योर यूज योर माइंड, डू अ क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव काम करें. मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड सेंड इट टू मी. ओके, आई एम वेटिंग फॉर दैट. सो इसको सही से पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको याद करें, मेमोराइज इट. ठीक है जी, इसके मीनिंग्स को, एसोसिएशन जो है मीनिंग्स की, एसोसिएटेड मीनिंग्स हैं उनको याद करें. थैंक यू सो मच.